आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ। हालात वाकात पर हमारी पहली नज़र, और दिन भर में हम पहली नज़र जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के हरके पोरा गांव में आज सुबह हुए एनकाउंटर पर ही डालेंगे पहली नज़र। और ये बड़ी खबर इस साल की, चूँकि आज की इस बड़ी खबर में, पहली बड़ी खबर जो सुबह 4 बजे के करीब हरकी पूरा के गांव का मुहासरा फौज और फोर्सेस ने किया, और इस मुहासरे में फौज और फोर्सेस का कहना है कि इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल हुई, और इस कामयाबी में लश्कर तैयबा का सबसे मोस्ट वांटेड A++ कैटेगरी का मिलिटेंट अबू दुजाना अपने साथी ताहिर ललहारी के साथ मारा गया। और इस एनकाउंटर के दौरान फोर्सेस की गोली लगने से एक मुकामी शहरी भी जान बहक हुआ। और यहाँ पर इतला फोर्सेस को मिली थी कि पुलवामा के इस मकान में मिलिटेंट मौजूद हैं। इस मकान का घेराव बताया जाता है किया गया, और घेराव के बाद यहाँ गोलीबारी हुई, और गोलीबारी के इस्तेमाल के दौरान मकान पर बारूद भी लगाया गया और मकान को आग भी लगाई गई। और इस कार्रवाई में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना और आरिफ ललहारी हलाक हुए, और मकान भी पूरी तरह से तबाह होकर रह गया जिस मकान में ये मिलिटेंट मौजूद थे। और इस हलाकत के फौरन बाद पूरी वादी कश्मीर में तनाव की सुर्ख़ियाँ देखने को मिली। जनूबी कश्मीर में फौरन इसके फौरन बाद खबरें आना शुरू हुई कि मुजाहरे हो रहे हैं, और इन्हीं मुजाहरों के दौरान पता यही चला कि लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा कमांडर, चीफ कमांडर अबू दुजाना, जो कि पाकिस्तान के गिलगत का रहने वाला था, पिछले 7 सालों से जम्मू कश्मीर में एक्टिव था, और साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक अबू दुजाना काफ़ी सरगर्म था। अब तक कई बार फोर्सेस के हाथों निकल चुका था, और 30 लाख का इनाम भी इसके सर पे था फोर्सेस की तरफ से। और अबू दुजाना आज लगातार पिछले दिनों, करीबन 5 दिन पहले ही अबू दुजाना एक मुहासरे में आया था, लेकिन वहाँ से भी निकल गया था, लेकिन आज मुहासरे से नहीं निकल सका, और आज उनकी हलाकत का वाक़ा पेश आया। यहाँ पे सुर्ख़ियाँ काफ़ी कशीदा हुई, और इसी कशीदा सुर्ख़ियाँ के दौरान और हालात को देखते हुए और मुमकिन एहतियात और संगबारी के पेश नज़र सूबाई इंतज़ामिया ने पहली फुर्सत में इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल रखी, और इसके साथ साथ कॉलेजों और स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी किया। हसास मुकामात पर फोर्सेस को मुतहरिक रखा गया, और इस सारी सूरतहाल के दौरान मुजाहरों की खबरें आना शुरू हुई। और आपको बताते चले कि अलहदगी पसंदों ने कल कश्मीर में बंद की कॉल भी दी है, और आज सुबह जब ये इनकाउंटर हुआ तो फौज और पुलिस ने इसकी तस्दीक करते हुए, पहले किसी ने तस्दीक नहीं की, जानना चाहते थे कि वाकई में ये अबू दुजाना ही मारा गया है। और उसके बाद फौज के 15 कोर के कमांडर, कोर कमांडर और उसके साथ साथ आईजी कश्मीर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फौज और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, और अबू दुजाना मारा गया है। जबकि आरिफ ललहारी भी, फौज और आईजी कश्मीर मुनीर अहमद खान ने बताया कि वो भी एक बड़ी कामयाबी है, और वो काफ़ी वक्त से सरगर्म था, और वो बैंक लूटने और उसके साथ साथ राइफल स्नैचिंग और सरपंचों को मारने में भी मुलविस था। द ऑपरेशन वाज ओवर, प्रॉपरली द बॉडीज वर आइडेंटिफाइड, and one was Abu Dujana and the other one was Arif. So it was a clean operation, but for civilian casualty of Firdaus Khan of Begumbagh and around 5 to 6 injured, pellet injuries and 2 bullet injuries. Initially, as it happens, in spite of our warnings and in spite of our requests, the people on the behest of militant, I have been repeating it in every press conference, and let the security forces do their job, these things won't happen. I'll take this opportunity and again appeal to the people, because the operations will carry on, pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. Whenever we get information of militants, armed militants rather, in a house or in any area, the operations are to be launched. And yes, we are trying that
they surrender. But if they don't surrender and they start firing on the forces, the only reply is to retaliate. That's what is being done. And co-commander has already mentioned about the activities, nefarious activities of RF, weapon snatching, looting, then killing of sarpanch. If you remember, there was a killing of sarpanch. Abu Dujana is saal ki sabse badi kamyabi forces fauj police ne batai aur bataya ke Abu Dujana ke sar par 30 lakh ka inaam bhi tha. Pichle kareeban 7 saalon se wo Jammu Kashmir mein tha aur Lashkar-e-Taiba ko ab uski jagah pur karna kafi usko mein kafi waqt bhi lagega. Lagbhag South Kashmir ke chappe chappe se Abu Dujana bataya jata hai waqif tha aur unki mare jane ke hawale se khabrein yahi hain ki pichle dinon jo unne jab गाड़ी में वो सवार थे और जब वो मुहासरे में फंसे थे उस वक्त उनका मोबाइल गिर गया था और मोबाइल के बाद ही उन्हें उसी मोबाइल के जरिए फोर्सेस ने ट्रैक किया और आज सुबह 4 बजे जब वो यहाँ लड़कीपोरा पहुँचे तो उसके फौरन बाद फोर्सेस ने उन्हें इंसाकल किया और यहाँ पर ये इनकाउंटर पेश आया. लेकिन इस झड़प में लश्कर कमांडर लश्कर मिलिटेंट आरिफ लेलहारी का नमाज़ी जनाजा भी आज उनके आबाई इलाके में अदा किया गया, जिस दौरान मजकूरा मिलिटेंट के जनाजे में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत की और जनाजे से पहले और बाद में भी इलाके में हालात पुर तनाव थे और मर्द व जन एहतजाज और मुजाहरे करते नज़र आए और लोगों की बड़ी तादाद और नारों के बीच में आरिफ लेलहारी को सुपुर्द खाक किया गया. और इस सूरत हाल के दौरान आपको बताते चले कि इस मुठभेड़ के दौरान पुलवामा ज़िले के कई इलाकों में झड़पें शुरू हुई और यहाँ बेगमबाग काकपुरा में भी झड़पें हुई और इन झड़पों में फिरदौस अहमद नामी एक नौजवान भी मारा गया और फिरदौस की मैयत भी जब उसके आबाई इलाके में लाई गई तो वहाँ भी मर्द जन जुलूस की सूरत में निकलकर नारेबाजी की. मजकूरा नौजवान की ना को नमाजी जनाजा अदा करने के बाद सुपुर्द खाक किया गया और मुजाहरों की खबर जनूबी कश्मीर से लेकर शिमाली कश्मीर तक सुबह एक बार फिर जुलाई 2016 की सुर्ख़ियाँ देखने को मिल रही थी. सुबह सुबह यूं अंदाज़ा हो रहा था कि फिर कोई तूफान बरपा हुआ है वादी की सुर्ख़ियाँ देखते हुए. सुपुर्द खाक हुई मैयत आम शहरी और कुछ लोगों का कहना था कि ये मुजाहरे में शामिल था, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नहीं ये स्ट्रे बुलेट का शिकार है और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसे निशाना बनाया गया और इस पर मुजाहरे भी हुए और इन मुजाहरों के दौरान उसे सुपुर्द खाक किया गया. तारिक लेलहारी और उसके साथ साथ आम शहरी को तो पुलवामा में ही सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन अबू दुजाना के हवाले से बताया जाता है कि उन्हें उड़ी ले जाया गया और वहां पे उन्हें सुपुर्द खाक किया गया. लेकिन इसकी तस्दीक या तर्दीद हमें किसी जराए से नहीं हुआ है. लेकिन पुलवामा में इन हलाकतों के फौरन बाद सूरत हाल काफी तश्वीशनाक और पुलवामा अस्पताल के बाहर भी फोर्सेस पर संगवारी करने के बाद फोर्स ने गोली और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया, जिसके नतीजे में यहां एक महकमे हेल्थ की एक मुलाजमा और एक तालबा भी ज़ख्मी हुई और दोनों ज़ख्मियों को फौरी तौर अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उन्हें इलाज मुआलजा फराहम कराया गया. ये जनूबी कश्मीर की, लेकिन श्रीनगर में भी एक सूरत-ए-हाल वही, एक बदली सी मंज़र, एक बदला सा मंज़र. और इस मंज़र में अबू दुजाना के मारे जाने की खबर के साथ ही श्रीनगर में SP कॉलेज और वुमेंस कॉलेज श्रीनगर के बाहर तुलबा व तालिबात ने एहतजाज किया और ये एहतजाज के दौरान नारेबाजी करते हुए भी नज़र आए और पुलिस ने इन्हें मुंशिर करने के लिए जहाँ कार्रवाई की, ताहम यहाँ कॉलेज तालब इलमों के साथ साथ कुछ आम नौजवान भी एहतजाज में शामिल हुए और रिगल चौक श्रीनगर के इस एहतजाज में तुलबा व तालिबात ने नारेबाजी की और उन्हें मुंशिर करने के लिए पुलिस और फोर्स ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कई नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया. यहां झड़पों की खबरें भी हैं और ये तनाव की सूरत-ए-हाल शाम देर गए तक देखने को मिली. श्रीनगर के बिमना के डिग्री कॉलेज में भी कुछ वक्त के लिए मुजाहरे हुए, लेकिन श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में मुजाहरे और इन मुजाहरों के दौरान काफ़ी तश्वीशनाक सूरत-ए-हाल.
बिमना डिग्री कॉलेज में मुजाहरे, श्रीनगर के लाल चौक में मुजाहरे, लेकिन श्रीनगर के लाल चौक में तालिबात के मुजाहरों को रोकने के लिए विमेन पुलिस भी आज काफ़ी मुतहरिक दिखाई दी। और आज श्रीनगर की विमेंस कॉलेज में जेर तालीम तालिबात ने जो ही एहतजाज करते हुए नारेबाजी की, तो इन एहतजाजी तालिबात को मुंशिर करने के लिए विमेन पुलिस भी पहुंची हुई थी। और यहाँ पर इन विमेन पुलिस के अहलकारों ने एक अच्छा खासा रुख भी अपनाया हुआ था। और इस तरह से काफ़ी देर तक श्रीनगर में खवाती पुलिस और इन तालिबात के दरमियान कुछ अलग तरह के सूरत हाल भी देखने को मिली। और इसके बाद यहाँ कुछ मामलात और भी देखे गए, लेकिन श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज के बाहर भी तालिबिलों और नौजवानों ने एहतजाज किया। और एहतजाज में एहतजाज भी झड़प में तब्दील हुई, जिस दौरान यहाँ फोर्स नौजवानों ने संगबारी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इलाके में सूरतहाल को देखते हुए फोर्सेज ने नौजवानों को तितर बितर भी किया। और फोर्सेज अहलकारों ने यहाँ बताया जाता है कि आम लोगों पर भी अपना नज़ला उतारा। उधर बरकीपुरा पुलवामा, हरकीपुरा पुलवामा में हलाकतों के खिलाफ बड़गाम में भी तुलबा व तालबात एहतजाजी मुजाहरा किया। और एहतजाज में शामिल तालबिलों ने फोर्सेस पर संगबारी भी की, जबकि फोर्सेस ने तालबिलों को मुंशिर करने के लिए संग और टेयर गैस का इस्तेमाल किया। इस मौके पर पुलिस बताया जाता है कि पुलिस ने कुछ तालबिलों को गिरफ्तार भी किया। और कुलगाम में भी तालबिलों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल तालबिलों सख्त नाराबाजी करे थे। और यहाँ एहतजाज में शामिल तुलबा व तालबात फोर्सेज के दरमियान संगवारी के वाकात भी देखने को मिले। जबकि डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा के तालबिलों ने भी हकड़ीपोरा पुलवामा में मिलिटेंटों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज की और नारेबाजी की। और एहतजाज में शामिल तालबिलों ने यहाँ सड़क पर रुकावटें भी खड़ी की और ट्रैफिक की नकल हमल को भी मुतासर किया। इस मौके पर फोर्सेज और तुलबा के दरमियान झड़पें भी हुई और यहाँ भी पत्थर और टेयर गैस का अच्छा खासा इस्तेमाल देखने को मिला। और ये सूरतहाल वादी कश्मीर की आज की, और इस सूरतहाल के दौरान मुजाहरे और मुजाहरों के साथ साथ दिन भर की सूरतहाल के दौरान जिस तरह आईजी कश्मीर ने भी इसकी तस्दीक की कि दो मिलिटेंट और उनके साथ एक आम शहरी मारा गया है, जबकि यहाँ पैलेट भी चले गए और गोलियां भी चली हैं और दो लोग गोली से ज़ख्मी हुए, जबकि दो दर्जन के करीब लोगों के हवाले से बताया जाता है कि वो आज पैलेट और दूसरे वाकात का शिकार होते हुए ज़ख्मी भी हुए। दिन भर की सूरतहाल, और इस पर कांग्रेस ने श्रीनगर में शाम गए एक बयान जारी करते हुए सख्त हालात वाकात पर तश्वीश का तो इजहार किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला फारूक अब्दुल्ला ने आज खुशी का इजहार करते हुए अबू दुजाना की हलाकत पर फोर्सेस की तारीफ करते हुए बताया कि फोर्सेस ने आज अच्छा काम किया है और फोर्सेस मुबारकबाद के हकदार है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि फोर्सेस आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान। लेकिन दूसरे मामलात में आपको नाजरीन बताते चले कि वज़ीर तालीम नईम अख्तर ने, माफ़ की गया, आरएनबी के वज़ीर नईम अख्तर ने श्रीनगर में आज श्रीनगर के फ्लाईओवर पर हो रहे काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो फ्लाईओवर को मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर मुकम्मल भी करें। आज हम आए यहाँ, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है काफ़ी सालों से, लोग भी अब थक चुके होंगे, आपके नाजरीन भी देखते देखते हमारा, लेकिन मुझे लगता है कि आज पहली बार सब लोग देख रहे होंगे टीवी देखने वाले के कुछ सॉलिड प्रोग्रेस हुआ है। बहुत सारे लगभग एक किलोमीटर पर यहाँ इसका स्लैब पड़ा हुआ है ऊपर, और बाकी भी जो मैं यहाँ से आगे यहाँ बरजला तक है वो क्रिटिकल स्टेज में है। उसमें अब कनेक्टिविटी करनी है, एस्टेब्लिश दो चार स्पैन्स लगाने हैं, तो मुझे लगता है कि काम ठीक ठाक चल रहा है। आपको मालूम है कि हमें मजदूरों की बहुत प्रॉब्लम हो गई, स्किल वर्कर्स नहीं मिल रहे, लेकिन अब इन्होंने बहुत कोशिश करके आज मुझे लगता है कि फुल कंपोनेंट है, रात दिन काम चल रहा है। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाकात पर हमारी पहली नज़र। दिन भर अभी जारी है, एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि माइग्रेंट असातिज़ा को वज़ीर तालीम सईद अल्ताफ़ बुखारी ने
ड्यूटी पर ज्वाइन करने को भी कहा है और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि श्रीनगर में पॉलीथीन पर मुकम्मल पाबंदी के लिए सरकार भी तैयार है। लेकिन ये सब कुछ इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। RNC पॉलीक्लिनिक अनंतनाग में वादी के तजुर्बाकार और मारूफ डॉक्टर साहिबान की खिदमत दस्तियाब है। जल्द बालों और जिंसी अमराज के माहिर डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट हर सनीचर को, बेऔलाद खवातीन के मामलात से मुतालिक डॉक्टर रुबीना अमीन हर मंगलवार को, जबकि जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुश्ताक अहमद हर इतवार को मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जदीद किस्म के अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर और हर किस्म के टेस्ट जदीद लेबोरेटरी में मुनासिब रेट पर किए जाते हैं। RNC पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, KP रोड नियर शाही बेकरी, जनरल बस स्टैंड, अनंतनाग। सेल नंबर 9797845886. Are you planning a trip outside the state just to buy your bridal clothes? Give it a pause. Zircon brings to you one of the best bridal collections at an exciting price. Zircon Designer Collection, Lambert Lane, Residency Road, Srinagar. कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल। मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद तालीम के वजीर सईद अल्ताफ बुखारी ने एक बार फिर तालीम को सरकार की तरजीहात में बताते हुए बताया है कि सरकार तालीम के मैदान पर कोई समझौता नहीं करेगी। श्रीनगर में आज एक तकरीब पर माइग्रेंट असातिज़ा को सख्त अल्फाज में मुतनब्बे करते हुए सईद अल्ताफ बुखारी ने बताया कि अगर इन असातिज़ा ने फौरन अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर रियासत में पॉलीथीन पर मुकम्मल पाबंदी के लिए सरकार ने पूरी तरह से तहिया किया हुआ है और श्रीनगर के SKICC में आज एक तकरीब पर नायब वज़ीर-ए-आला डॉक्टर निर्मल सिंह और देही तरक्की के वजीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान ने जहां महकमों की कारकर्दगी का खुलासा किया, वहीं उन्होंने पॉलीथीन की मुकम्मल पाबंदी को आयद किए जाने के हवाले से बताया कि रियासत से पॉलीथीन को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसी दौरान PHE के वजीर श्याम चौधरी ने आज कई अवामी वफूद से मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाया कि रियासत में पानी सप्लाई को बराबर रखने के लिए भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर और वादी के दूसरे हिस्सों पर पानी बहम रखने का यकीन दिलाते हुए उन्हें अवाम से अपील भी की कि वो पानी का सही इस्तेमाल करें। आज हमने अभी PHE डिपार्टमेंट की जो मीटिंग रखी जिसमें हमारे SC/XC साहब सबको बुलाया गया, जिसमें हमारे बायोमेट्रिक जो ऑनलाइन लैंड डोनेट करिए उनके लिए बारे में बात की और PHE की जितने भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो पोजीशन उसके लिए वो भी जितने मसले चाहे कोर्ट में केस हैं और बाकी भी जितनी भी हमारी स्टैंड बाई मशीनरी सारे ओवरऑल PHE का रिव्यू किएगा ताकि जितनी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लोगों को ना आए और लोगों के घर तक साफ पानी पहुँचे और किसी किस्म की जो परेशानी सब दूर की जाए ताकि PHE पानी लोगों को ठीक मिले और इस तरह की लोगों को समस्या ना रहे। और चलिए नाजरीन अब आपको पानी की बात, लेकिन पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर अब्दुल बासित भी पानी की बात करें। और अब्दुल बासित ने आज बाज़ाब्ता तौर पे अब वो वापस अपने मुल्क रवाना हो जाएंगे, उनकी मियादे मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और आज उन्होंने वापस जाते हुए पाकिस्तान वापस जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें भारत में बहुत मोहब्बत मिली, ताहम उन्हें अफसोस है कि भारत और पाकिस्तान के मुज़ाकरात इस दौरान हाल नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत आगे भी होगी और बहुत जल्द होगी। और पानी की बात भी अब्दुल बासित ने की और अब्दुल बासित ने बताया, शेर में बताया कि पानी को अब सर से गुजर जाना चाहिए। कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। बड़ी मोहब्बत मिली मुझे यहाँ भारत में और मैं बड़े इत्मीनान के साथ मुतमईन होकर वापस जा रहा हूँ। दुख इस बात का यकीनन है कि जो मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो जाता, वो बदकिस्मती के साथ शुरू नहीं हो सका, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि 2015 में जब सुषमा स्वराज साहिबा पाकिस्तान गई थी, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग पे इत्तेफाक किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाल्लाह आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगा।
अब्दुल बासित पाकिस्तान के भारत में अब तक के हाई कमिश्नर और अब उनकी मियाद मुलाजमत जो भारत में थी बतौर हाई कमिश्नर पूरी हो रही है और अब वो वापस चले जाएंगे। लेकिन अब्दुल बासित ने कश्मीर की जद्दोजहद को भी जायज़ बताया और सैयद सलाहुद्दीन को दहशतगर्द न मानते हुए उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी रियासत की अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और इसलिए उन्हें दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता है। देखिए सैयद सलाहुद्दीन तो एक कश्मीरी हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो जद्दोजहद कर रहे हैं। हम उनको दहशतगर्द नहीं मानते क्योंकि जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है वो अक़वामे मुत्तहिदा की जो चार्टर है, उनका जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है, बिल्कुल उससे मुताबिकत रखता है, उसके मुताबिक है। इंटरनेशनल लॉ फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करने की इजाज़त देता है। तो हम तो सैयद सलाहुद्दीन साहब जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं और हम उनकी जद्दोजहद को सराहते हैं। जो जम्मू और कश्मीर के अवाम जद्दोजहद कर रहे हैं हम उसको सराहते हैं। चलिए अब्दुल बासित पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर अब तक, लेकिन अब वो वापस जा रहे हैं। और आपको नाज़रीन बताते चले कि मंशियात के कारोबार को रोकने और उससे जुड़े अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फुरसल पुलिस ने नाके के दौरान 24 किलोग्राम पोस्ट जब्त की है। और पुलिस का कहना है कि एक इतला के बाद पुलिस ने फुरसल में नाका लगाया था जिस दौरान कुलगाम से आ रही एक सेंट्रो कार में तलाशी के दौरान 24 किलोग्राम पोस्ट जब्त की गई और पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार किया है और गाड़ी को भी अपनी तहवील में लिया है। ये कुलगाम की खबर, लेकिन हमने आपको कुलगाम में कल ज्यादती की खबर बताई थी और हमने बताया था आपको दिन भर में कि इस ज्यादती के खिलाफ सबको मुतहद होना होगा। और आज कुलगाम की पुलिस ने एक निजी स्कूल में जेर तालीम तालबा के साथ मुबैना ज्यादती के खिलाफ स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। एसएसपी कुलगाम ने बताया है कि इलाके में कायम एक निजी स्कूल में जेर तालीम तालबा ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ हुई मुबैना ज्यादती की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मजकूरा प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। लड़की के लवाकीन ने पुलिस से मजकूरा प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हमें एक कंप्लेन आई है, एक नाइन्थ क्लास की लड़की ने एक कंप्लेन किया है। शी हैज़ अलीज्ड कि उसके साथ मोलेस्टेशन का अटेम्प्ट हुआ है और अटेम्प्ट जो है उस स्कूल के प्रिंसिपल ने किया है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही हमने इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर किया है, एफआईआर नंबर 114/2017 अंडर सेक्शन 342 एंड 354 ऑफ आरपीसी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल इरशाद हुसैन को अपने कस्टडी में लिया है, उसकी पूछताछ अभी चल रही है। कुलगाम पुलिस का बयान, लड़की के साथ ज्यादती हुई स्कूल प्रिंसिपल ने की, उस शख्स ने की जो माशरे का सबसे जी इज़्ज़त और बाइज़्ज़त शख्स माना जाता है, जिस पे भरोसा है, और इस शख्स ने ज़्यादती की है तालबा के साथ, उसके साथ जिसको वो पढ़ाता था, जो उसका बाप था, उसने ज़्यादती की है। और इस ज़्यादती के खिलाफ पुलिस ने अगर गिरफ्तारी की है, लेकिन इस ज़्यादती के खिलाफ लोगों को भी खड़ा होना चाहिएगा। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि अभी और ख़बरें हैं, एक छोटा सा एक और तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। हम बताएंगे कि श्रीनगर के आलूची बाग में पानी की परेशानी है और इस पानी की परेशानी से लोग काफ़ी परेशान हैं। ये सब कुछ एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, मरियम फैशन वेयर स्टोर, जहां लेडीज, जेंट्स और बच्चों के मल्टी ब्रांडेड फैशन वेयर मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब हैं। जेंट्स सूटिंग फॉर्मल पैंट्स, जेंट्स पैंट्स, कैजुअल शर्ट्स, कुर्ता पजामा, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स के अलावा लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप्स, क्रोकोडाइल अंडर गारमेंट्स दस्तियाब हैं। तशरीफ लाएं मरियम फैशन वेयर स्टोर, सेकेंड फ्लोर, सारास्टी सेंटर, अपोजिट एग्जीबिशन ग्राउंड, श्रीनगर। जी हाँ, जन्नत कश्मीर के मसाले अतफर मसाले, मिलावट से पाको साफ, जायके में बेमिसाल, सेहत के लिए लाजवाब अतफर मसाले। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल। मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स।
چلیے ناظرین، خیر مقدم، آپ کا بریک کے بعد تو پانی کی پریشانی، اور پانی کی پریشانی سرینگر کے بٹمالو، آلوچی باغ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ہے، چاہے وہ ایس ڈی کالنی ہو یا دوسری کالنیز، یہاں کے پر پانی کی کافی پریشانی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 10 دنوں سے یہاں پانی نہیں پہنچا ہے، اور ہم نے یہ معاملہ ریاست میں پی ایچ ای کے وزیر شام چودھری کے ساتھ بھی اٹھایا، ہم نے ان کی نوٹس میں لایا اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ کل تک وہاں پانی پہنچایا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں بھی پائپیں وغیرہ اگر نقصان دہ ہوئی ہوئی تو انہیں بھی ریپیئر کرایا جائے گا۔ لیکن سری نگر میں غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا آج اہتمام کیا گیا، جس دوران یہاں پہ اس تنظیم کے عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے وادی میں ایک یونٹ قائم کیا ہے، جو انہیں دعویٰ کیا کہ مذکورہ یونٹ کشمیر میں خواتین کی بہبود، تعلیم اور دوسرے معاملات پر کام کرے گا۔ لیکن ہم حج کی بات بھی کریں، ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری شاہد اقبال چودھری نے آج راجوری سے تعلق رکھنے والے 124 افراد پر مشتمل عازمین کو کہ پہلے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر سری نگر کے لیے روانہ کیا، جہاں سے انہیں مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ قافلے میں 81 مرد اور 43 خواتین عازمین بھی شامل تھیں۔ ادھر بانہال اور کھڑی تحصیل سے تعلق رکھنے والے 12 افراد پر مشتمل عازمین کے پہلے قافلے کو آج ڈاک بنگلو بانہال سے سری نگر کی طرف روانہ کیا گیا، جہاں سے انہیں مکہ معظمہ کی جانب روانہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر بانہال میں انتظامیہ نے عازمین کو مبارکباد دیتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ وہ ریاست میں امن کی بحالی کے لیے دعا بھی کریں گے۔ یاد رہے ریاست جموں کشمیر میں عازمین کا پہلا قافلہ 25 جولائی کو روانہ ہوا تھا۔ اور چلیے ناظرین، پی ڈی پی کی جانب سے قاضی گنڈ میں آج ایک تقریب کا اہتمام ہوا، جس دوران علاقے کے معذور نوجوانوں میں سکوٹر بھی تقسیم کیے۔ تقریب میں اسٹیٹ گیراج کے ڈائریکٹر اور پی ڈی پی کے ورکر بھی موجود تھے، اور اس موقع پر نوجوانوں نے پی ڈی پی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور چلتے چلتے ہم آپ کو تصاویر دکھاتے ہیں گلمرگ کی وادیوں کی۔ گلمرگ کی خوبصورت وادیوں میں سیاحوں کی بڑی تعداد تو پہنچ رہی ہے، لیکن گنڈولا ابھی چالو نہیں ہوا ہے، اور اس پر جہاں کل مقامی ٹورسٹ بھی گلمرگ پہنچے تھے، اتوار کو پہنچے تھے، وہیں آج بھی وہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد تو پہنچی تھی، لوکل ٹورسٹ پہنچے تھے، لیکن ان کے لیے ابھی تک گنڈولا چالو نہیں ہو سکا ہے۔ یاد دلانا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں گنڈولا پر ایک درخت گرا تھا، اور جس کے بعد ایک حادثہ ہوا تھا، اور اس حادثے میں کچھ لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی تھی۔ اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ گنڈولا محکمہ جنگلات اور گلمرگ گنڈولا جو اتھارٹی ہے ان کے درمیان ایک معاملے کو لے کر پریشان ہیں۔ گلمرگ گنڈولا اتھارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سارے درختوں کو صاف نہیں کیا جاتا ہے تب تک گنڈولا نہیں چلے گا، اور وہیں محکمہ جنگلات کا یہی کہنا ہے کہ درخت وہی کاٹے جائیں گے جن سے خطرہ ہوگا، سبھی جنگلات کو نہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ تو اس سارے کے بیچ میں یعنی آپ بیل مجھے مار والی بات نہیں بلکہ ٹو با ٹیک سنگھ والی بات، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، بیچ میں پھنسا گلمرگ گنڈولا، اور اس گلمرگ گنڈولا کو نہ چلانے کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی ہیں، اور کافی ٹورسٹ جو وہاں جاتے ہیں، سیاح جاتے ہیں، ان کا جو مدعا مقصد ہوتا ہے، جو ان کو کوشش ہوتی ہے، وہ پوری ہو نہیں پاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا دن بھر یہیں پہ اختتام پذیر ہوا، چاہتا ہے اپنے میزبان سنم اعجاز کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت، گر خدا لایا پھر کریں گے آپ سے ملاقات۔ رکھیے اپنا خیال، اللہ حافظ۔